हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है आज की वीडियो में हमारे साथ वजीहा है। वजीहा वैसे मेरी क्या है, वजीहा जिठानी है हमारे दरम्यान में ना, देवरानी जिठानी वाला कोई सीन नहीं है, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो वजीहा मेरी फ्रेंड, हाँ वजीहा मेरी फ्रेंड है। और आज हम वजीहा के बाल आज हम वजीहा के बाल काटने वाले हैं। अच्छा वजीहा, मैंने तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन अच्छा, बीच में से मैं कट कुट कर दूंगी, ठीक है। हमारे वो वाले पार्ट्स वगैरह मैं तुम्हें पहले दिखाऊंगी, फिर मैं डालूंगी। जिया के ना आज मैंने काटने हैं जी बाल। अब जिया के बाल देखे, जिया आप ऐसे करके कुर्सी घुमाए ये देखे वजिया के बाल, आप देखे वजिया के बाल वैसे प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना वॉल्यूम कम है। तो ये वीडियो, हाँ वो वॉल्यूम काफी कम है, ये देखें थोड़े से ना नीचे से जाते जाते पतले हो गए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके बाल ना पतले हैं। वैसे वजिया के बाल ना स्ट्रेट हैं, लेकिन थोड़े से पतले हैं। तो मैं आपको जो हेयर कटिंग करके दिखाने वाली हूँ ना वजिया पे, अगर वो आप करते हैं ना तो आपके बालों में बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा। तो आज होने वाली है हमारी ये सेकंड टाइम मेरा कट हो रहा है। मैं हर एक के बाल का मैं पकड़ के हर एक फर्स्ट टाइम शादी के बिल्कुल बाल था, और वो भी मैंने किया था। एक साल हो गया, मतलब एक साल में ये वो भी मैंने किया था। और दूसरा कट भी मैं ही करने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे खानदान के बाल मैं काटती हूँ, अपनी बहन के बाल मैं काटती हूँ, मैं बस बाल काटती रहती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो वजीहा के बाल आज हम काटेंगे, फुल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। वजीहा पहले बताओ कितने का काट दूं, ये इतने के पूछे मुझे लगता है काट ही देनी चाहिए। ये इतने के बाल हमें अलाउ है काटना। कार से चलते हो, मेरे को स्टार्ट करते हैं। इतनी लंबा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, लोगों ने कहा हेयर कटिंग करनी नहीं सिखाई, टट्टा 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 करी जा रही है, बस बोली जा रही है। मैं ये भी वैसे बहुत बोलती हूँ वीडियो में, ये थोड़ा कम बोल रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम है ना, लेकिन चले स्टार्ट करते हैं। चले चले चले, तो पहले क्या करना है, मैंने ना आपके बालों को करना है वेट। गीला नहीं करना, वेट करना। मैं ना ऑन करना भूल जाती हूँ सारा करको की याद आता, वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो रही। ज्यादा ना बाल को गीला गीला नहीं करना, हल्का हल्का वेट करना, ठीक है, हल्का सा स्लाइड सा। हेयर ड्रेसर कायनात, ये वाली जो कटिंग है ना, मतलब यूनिवर्सल कटिंग है, ये ही पकड़ के मैं हर एक पे करती हूँ। जो अपने काटे थे ना मैंने, वही वाले तुम्हारे काटने लगी है लेयर्स ना, ऐसे करके बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद कितने अच्छे, इतना थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ना, मेरी उंगली थक गई मैं कही तो मैं भी कह सकती हूँ। मैंने अच्छा कैमरे के सामने मैंने कभी किसी और की कटिंग नहीं ना, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ, कभी इधर जाऊँ। अच्छा उसके बाद ना हमने करनी है जी सेंटर की पार्टीशन। ऐसे आपने कॉम्ब रखना है सेंटर में, और इसको आपने बिल्कुल सीधा लेके जाना है, और आपकी मांग बड़ी अच्छी सी सेंटर में से निकल आएगी। आती हूँ वो गीला करने वाला, इससे नहीं वो जो हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं, इससे भी ड्राई है। वही कह रही हूँ, मजा ही नहीं आ रहा हेयर कटिंग करने का। वीडियो दिखाना अपने भाई को। हाँ, मैं कहूंगी हमने आज मैंने बहुत काम किया। क्या करने लगे हैं उसके बाद हम ये देखें, यहां से ना आपने वी शेप में ऊपर से यहां से आपने बाल उठाने, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें इस तरह से आपने बाल उठाने वी शेप में, वी बना देंगे हम। ये आपकी फेस फ्रेमिंग आ गई, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये देखें वी बन गया यहाँ पे, टिक टिक। देखें पीछे वाले बालों को हम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं, इस तरह आपने क्लिपियां लगा ले क्लिपियां नाम नहीं मुझे आ रहा, कुछ नाम होता है इनका। ये देखें हेयर क्लिप लगा के उसको पीछे कर लिया, क्या कहते हैं इनको, समझ कर रही हूँ मैं, ये बता तो नहीं हूँ मैंने कभी कैमरे के सामने ना किसी और के बाल नहीं काटा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ खड़ी हूँ जो सही क्लियरली नजर आए। बाजी आपको कितना चाहिए इतना ठीक है ना, मैं अच्छा कस्टमर हूँ, चीन तक ठीक है बाजी, कटने लगा चुपड़ी भाई ठीक है जी। पहला स्टेप आपने अपनी मर्जी का काट लेना है, ठीक है, देख ले अब तो जा रहे हैं आपके बाल, ठीक है जी। पहला स्टेप काटने के बाद दोबारा से हेयर कॉम्ब लें, इनको दोबारा से कॉम्ब करें, तुम अपनी बीच में बात तो चालू रख सकती हो, ओके। फिर यहाँ सेंटर से दोबारा से मांग निकालेंगे, ठीक है, ओ सॉरी नहीं कुछ नहीं हुआ आपके डेले में मांग मैंने सॉरी। अब इसको हम इधर को लेके आएंगे, ठीक है, ये देखें ऐसे करके मैं लेके आई हूँ, ये पकड़े आप और अब इसको हम बिल्कुल
इस तरह से काट देंगे स्ट्रेट, जिस साइड को आपकी जॉ लाइन जा रही है ना आपने उस तरह से काट देना है। इसको ना हल्का हल्का सा रफ कर दें ऐसे इसको, वरना बिल्कुल वो ऐसा लगेगा जैसे ऐसे करके आपने काट दिया। मैं कैमरे में आ नहीं रही, बस टटा 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 मेरी आ रही है बीच में, ठीक है। ऐसे पकड़ के आपने ना एजेस को रफ कर देना है, वरना वो ऐसे लगते जैसे कटिंग, हाँ, हुई, कटिंग हुई है वो। हाँ, अच्छा मजे का लुक नहीं आता, जिस तरह बचपन में कटिंग होती थी ना, जैसे वो हमारे कटिंग करते ना ही आके कटिंग करते, सही बात है, वरना वो वैसी लगेगी। कॉम्ब आपने सही करना बालों को, इस साइड को लेके आएंगे, इसको भी इसी तरह से हमने, ये जो जॉ लाइन है ना आपकी, आपने इस तरह से बालों को काटना, ये देखें ऐसे। मैं कोई ना प्रोफेशनल हेयर कटिंग करने वाली नहीं हूँ, मुझे बस जैसे जैसे समझ आती है ना, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वैसे मैं काट रही हूँ। अच्छा वैसे क्लासेस, वैसे आप इसकी बात है, मैंने क्लासेस ली हुई हैं, मैं ईमान की भी काटती हूँ, मैं सबकी काटती हूँ। देखें अब हमारा पहला स्टेप आ गया है, बस इसी को हमने लेके ना अब चलना है आगे, यहीं से अब हमारी वो शुरू होगी। अब आप देख सकते हैं ये पहला स्टेप, देखें जरा ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। क्लिपियाँ उतार ली अब, हाँ ये तो क्लिपी, एक साइड से क्लिपी मैंने उतार दी है। अब फिर यहाँ से हम लोग बिल्कुल नेक के ना सेंटर में लेके जाना है आपने, ये देखें आधे आधे कर लिया मैंने बाल, आधे इधर आधे उधर, पसीना मेरा छूट रहा है, पता क्यों इतनी गर्मी हो गई है ना, कितनी गर्मी लग रही है। बहुत थोड़े से बाल आपने यहाँ से लेने हैं, ठीक है। आपके ईयर के आगे आगे जो बाल है ना, थोड़ा सा इधर इधर दिखाएं, हाँ जी, आपके ईयर के आगे आगे जो बाल है ना वो पार्टीशन कर ले, ठीक है। बस आप इधर को कर सकती हैं, आप अपनी इधर को कर सकती हैं, पकड़ेंगे और बस हम इसको काटते जाएंगे अब इस तरह। अच्छा पहला स्टेप काटना थोड़ा सा वो होता है, डिफिकल्ट होता है, बाकी बाकी तो आसान ही है। हीट डैमेज होता है, हीट डैमेज स्प्रे हुआ उसके ऊपर, वो वैक्यूमिंग इतनी की है, इतने नहीं हो रहे पीछे है बहुत बार। इसी तरह से ना छोटे 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 स्टेप लेते आना आगे, जितने आपके बालों का वॉल्यूम है ना उस हिसाब से कर लें, चार कर लें, पांच कर लें, तीन कर लें। वैसे मैंने अपने तीन में काटे थे, आपको ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप फिर चार या पांच कर सकते हैं, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं। मैं तो कहती हूँ थोड़े से छोटे कर लो, यहाँ पे हमारी थर्ड लेयर खत्म हो रही है, यहाँ से अब फिर काटेंगे इसी तरह से। आपने ना इस तरह से सीजर को पकड़ना है, इस तरह नहीं पकड़ना, ऐसे तिरछी पकड़ के आपने नीचे से काटते जाना है। ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छी होती है, ब्लो ड्राई बहुत अच्छा, नहीं अच्छी हुई होती ना जी। हमारी दोनों साइड की हेयर कटिंग हो गई डन, तो अब हम मजीहा का ब्लो ड्राई शुरू करते हैं। बाल लग रहे हैं जी, थोड़ा सा इधर उधर घूम के इसको थोड़ा स्टाइल मार के खुद ही दिखा रहे हैं ऐसे। ये देखिए इधर उधर से दिखाओ, उधर से भी दिखाएं, उधर से यस। फिर मैं आप दोबारा ऐसे करती हूँ, मुझे बड़ा शौक है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आ रहा है जी। ये हमारी फाइनल लुक, देखिए बालों से कितना प्यारा बाउंस आ गया, ये पीछे मुर्क हंसी जा रही है। अभी अभी हम यहाँ पे, ये हमारा फाइनल गुड बाय, ये गुड बाय बोल दो, बाय। यहाँ पे हमारी, यहाँ पे हमारी वीडियो होती है जी खत्म। आई होप यू गाइस लाइक दिस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, बाय।